आज हम बनाएंगे चिवड़े की नमकीन। नमस्कार। इसे आप बहुत ही इजीली घर पर बना सकते हैं। पहले एक कढ़ाई में हम तेल को गरम करेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। इसके बाद हम एक बड़ी चन्नी को कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसमें करी पत्ता जीरे को जल्दी जल्दी से घुमा के निकाल लेना है। याद रहे, जीरा जलना नहीं चाहिए ना ही करी पत्ता। इसके बाद हम मखानों को भूनेंगे। ये भी हमें जल्दी से सिर्फ गर्म ही करने हैं जिससे कि ये करारे हो जाए। इसी तरीके से हम एक एक करके सारी चीज़ों को तलेंगे। मैंने मूंगफलियों में थोड़ा सा, जब तक ये सही से तल ना जाए, थोड़ी देर हिलाना है ढंग से इसको घुमाते हुए, और अच्छी तरह से तेल जुड़ के अलग से प्लेट में हम रख लेंगे। अब मैं तलूंगी थोड़े से काजू और बादाम। इनको भी बस हल्का सा ही हमें तलना है। ये देखिए, जो भी सामान हम तलेंगे उस सारे मिक्सचर को हमें एक ही प्लेट में रखना है। अब हम थोड़े से चनों को भी हल्का सा तल लेंगे। वैसे तो ये चने भुने हुए हैं, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन तलने से इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक कटोरी करीब चिवड़ा लिया है, मतलब पोहा, और थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इनको सही से तलूंगी। आप चाहे तो ज़्यादा तेल लेकर भी छन्नी को डुबो के अच्छी तरह से एक साथ भी तल सकते हैं, पर उसके लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैंने एक कटोरी का चिवड़ा या पोहा दो बार में तला है। आप चाहे तो अपनी फैमिली के हिसाब से आप इसे ज़्यादा बनाना चाहें ज़्यादा बनाएं, कम बनाना चाहें कम। और इस नमकीन को हम एक सप्ताह के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। थोड़े से मेरे किशमिश भी इसमें हल्के से तल लिए हैं। इन किशमिश को भी मैं बाकी के मिक्सचर में डाल दूंगी और सही से सारे मिक्सचर को मिक्स करूंगी। लेकिन उससे पहले हमें डालना है आधा चम्मच सेंधा नमक। आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा तीखापन चाहिए तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे हाथ की मदद से सही से मिला लेंगे। आप चाहें तो करछी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें अच्छी तरह से मिलाना है। और देखिए, हमारी नमकीन बनकर हो गई है जल्दी से तैयार। आपको जब मन करे निकालिए, खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। इसे आप चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, कॉफ़ी के साथ या ऐसे भी आराम से खा सकते हैं। आपको ये हमारी पोहा नमकीन कैसी लगी, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस रेसिपी को एक बार घर पर ट्राई करके ज़रूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।